नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त जानकारी लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आंकड़े के पौधे यानी कि मदार के पौधे के बारे में। साधारणतः हमें अपने आसपास मदार का पौधा देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि ये कहीं भी खाली जगह पर खुद ही उग आता है। यह पौधा देखने में जितना साधारण होता है, इसके औषधीय गुण उतने ही अधिक होते हैं। अधिकतर लोग इसे बुरा व अनुपयोगी मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर से एक जहरीला रस निकलता है जो कि हमें नुकसान दे सकता है। किंतु आपको बता दें कि इसके अन्य प्रयोग भी होते हैं जो इसकी महत्वता को दर्शाते हैं। अगर पूजा की बात की जाए तो शिवलिंग पर इसी के पत्तों और फूलों को चढ़ाने से हमारी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। हमारे मुख्य द्वार पर अगर आंकड़े का पौधा होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। अगर ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से माना जाए तो जिस भी घर के सामने आंकड़े का पौधा होता है, उनके घर में कभी भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि ये पौधा सभी प्रकार के तांत्रिक प्रभावों को समाप्त कर देता है और घर के आसपास के वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बना देता है। इससे घर में सुख शांति व समृद्धि का वास हो जाता है और घर पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। जो व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करते हैं, आप उनके घर के सामने आंकड़े के पौधे को आसानी से देख भी सकते हैं। कई बार आपके शत्रु आपकी तरक्की को देखकर और आपकी सफलता को देखकर इतना चिढ़ने लगते हैं कि आपके ऊपर या आपके घर पर नकारात्मक तरीके से हमला कर देते हैं, टोने टोटके करते हैं, किंतु आंकड़ा इन नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा करने में समर्थ होता है। इसके लिए भी आपको एक प्रयोग करना है, जिसके अनुसार आपको आंकड़े के पौधे की जड़ का एक छोटा सा हिस्सा लेना है और उसे तावीज बनाकर अपने गले में धारण करना है। तावीज को गले में धारण करने के लिए आप काले धागे का ही प्रयोग करें। ये तावीज एक कवच की तरह आपके रोगों और बाहरी शक्तियों से रक्षा करता है। लेकिन दोस्तों, ये तो थे आंकड़े के कुछ ज्योतिष शास्त्र के फायदे, लेकिन आज हम आपको इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने स्वास्थ्य में अपूर्व बढ़ोतरी कर सकेंगे। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि आंख की दातून करने से दांतों के सभी प्रकार के रोग दूर हो सकते हैं। इसीलिए जब भी आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो उस समय आप आंख के इस पौधे से दातुन कर सकते हैं। ये आपके दांतों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगर किसी व्यक्ति को चलती गाड़ी में उल्टी आती हो तो यात्रा पर निकलते समय जो स्वर चल रहा हो, अर्थात जिस तरफ की श्वास ज्यादा चल रही हो, उस पैर के नीचे आप आंकड़े के पत्ते रखे, यात्रा के दौरान आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और इससे आपका जी मचलाना व उल्टी आना बंद हो जाता है। आंख के पीले पड़े पत्तों को घी में गर्म करके उसका रस कान में डालने से आपका कान का दर्द ठीक हो जाता है। आंकड़े के दूध को अक्सर जहरीला माना जाता है, लेकिन ये बहुत ही फायदेमंद भी होता है। आंख का दूध कभी भी आपको सीधे आंखों पर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये अगर आपकी आंख दुख रही है तो उसमें बहुत ही कारगर उपाय माना जाता है। इस उपाय में आपको क्या करना होगा, अगर आपकी दाई आंख दुख रही हो तो आपको बाएं पैर के नाखून, और अगर बाएं आंख दुख रही हो तो आपको दाएं पैर के नाखून के ऊपर आंख के दूध से उसे तर कर लेना है, यानी कि उस नाखून को आप अच्छी तरह से आंख के दूध से भिगो दीजिए। इससे आपकी दुखती हुई आंखें बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आप इस दूध को आंख पर कभी भी सीधे सीधे नहीं लगाना होता है। अगर किसी का दांत हिल रहा हो और उसे उसको निकालना हो लेकिन निकाल नहीं पा रहा हो, तो हिलते हुए दांत पर आंख का दूध लगाकर उसे आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पीलिया का रोग हो गया है तो उसमें भी आंकड़े के पत्ते बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आंख की कोपलों को सुबह खाली पेट पान के पत्ते में रख कर उसे चबा कर खाने से 3 से 5 दिनों के अंदर ही पीलिया ठीक हो जाता है। यदि आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं तो इसके प्रयोग से आप अपने पैरों के छालों को ठीक कर सकते हैं। इस उपाय में आपको अपने पैरों के छालों पर इसका दूध लगाना है।
इससे आपके छाले बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। आंकड़े के पत्ते बांझपन को ठीक करने के बहुत ही कारगर उपाय माने जाते हैं। इस उपाय में आपको क्या करना होता है, सफेद आंख की छाया में सूखी जड़ को पीसकर एक एक ग्राम की मात्रा में गाय के दूध के साथ लेने से बांझपन ठीक हो जाता है। इससे बंद ट्यूब और नाड़ियां खुल जाती है। मासिक धर्म गर्भाशय की गांठों में भी इसमें लाभ प्राप्त होता है। आंकड़े के पौधे की रुई बहुत ही लाभदायक होती है। जिन लोगों को वात की समस्याएं होती है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। इस उपाय में आपको आंख की रुई लेनी है और उसे वस्त्रों में भरकर रजाई तकिए में इस्तेमाल करना है। इससे आपके सभी प्रकार के वात रोग ठीक हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को दाद खाज व खुजली है तो उसमें भी आंख के पत्ते बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इस उपाय में आपको आंख के पुष्प तोड़ने हैं और तोड़ने पर जो दूध उसका निकलता है उसे नारियल तेल में मिलाकर लगाने से आपकी खाज खुजली व दाद दूर हो जाते हैं। इसके अलावा आंख के दूध में समान मात्रा में शहद मिलाकर लगाने से दाद में आपको लाभ प्राप्त होता है। और यदि आंख की जड़ के चूर्ण को दही में मिलाकर लगा लेते हैं तो इससे भी आप दाद के रोग से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी को घाव है और वो भर नहीं रहा है तो उसमें भी आंकड़े के पत्ते बहुत ही कारगर उपाय माने जाते हैं। इस उपाय में आपको आंकड़े के पत्तों को सुखा लेना है और उसका पाउडर बना लेना है। उसके पाउडर को आप जख्मों पर भुरक दीजिए, उससे आपका दूषित मांस दूर हो जाएगा अथवा स्वस्थ मांस वहां पर आ जाएगा, यानी कि वहां पर स्वस्थ मांस आने लगेगा। इसके अलावा आंख की मिट्टी की टिकिया कीड़े पड़े हुए जख्मों पर बांधने से कीड़े टिकिया पर आकर मर जाते हैं और जख्म धीरे धीरे आपका ठीक होने लगता है। अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो पेट के दर्द में आंख के पत्तों पर घी लगाकर गर्म करके उसे सेंके और उससे अपने पेट को सेंक लगाए, इससे आपका पेट का दर्द तुरंत छूमंतर हो जाता है। आंकड़े के पत्तों को कड़वे तेल में पकाकर लगाने से आपके घाव ठीक हो सकते हैं। अगर किसी को अस्थमा यानी कि दमा रोग है तो उसमें भी आंकड़ा बहुत ही फायदेमंद होता है। दमा रोग के लिए आंख का पत्ता बहुत ही लाभकारी होता है। इसके लिए आप आंख के पत्ते पर कत्था चूना लगाकर पान की तरह इसे चबाकर खाइए, इससे आपको दमा रोग में राहत जरूर मिलेगी। कई लोगों का यह भी मानना होता है कि आंख का दूध निकालकर उसका फाहा मुंह पर लगाने से लकवा जैसे रोग भी इससे दूर हो सकते हैं। आंख का पौधा कई और रोगों में भी महत्वपूर्ण हो सकता है, पर यह उपाय आपको वैद्य की सलाह से ही करने चाहिए। इसके अर्क प्रयोग से होने वाले हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए आप दूध अथवा घी का प्रयोग कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी आंख के पत्तों का और उसके फूलों का बहुत ही महत्व होता है। आंख और मदार के फूल केवल दुर्गा जी को ही चढ़ाना चाहिए, अन्य किसी देवी को नहीं। दुर्गा जी पर दूब कभी भी ना चढ़ाएं। इनके अलावा महादेव की पूजा में इनके पुष्पों का प्रयोग होता है, किसी और देवी देवताओं की पूजा में इसे प्रयुक्त होता नहीं देखा गया है। तो इस तरह से आप आंख के पौधे के फूलों का उपयोग पूजा आदि में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी आंकड़े के बारे में अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें और इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए कृपया इसे शेयर भी करें। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल फिटनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी के जरिए हम आपके पास ऐसी नई व रोचक जानकारियाँ भेज सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।